बिंद के सरहदन मा तनाव है, अब बिंद के एक सीट मा चुनाव है। बिंद क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल मा हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन इनका प्रणाम करी थे। और खबर है रैगांव विधानसभा से, जहां रैगांव मा उपचुनाव विधानसभा सीट जो सतना के अंतर्गत आवा थी, वहां उपचुनाव हो जा लागे तो जनता अब जागरूक हो रही है और कह रही है कि यदि रोड नहीं तब वोट नहीं। अब का करी शिवराज सरकार की, कमलनाथ सरकार का एक ही इधर की के उपचुनाव वाले कमलनाथों के सरकार के कार्यकाल दिखी नहीं और शिवराजों के कार्यकाल अब दिख ही नहीं। तो आप उनके लगे निश्चित करे खीतिर और वोट दे खीतिर बड़ी वजह हो चाहिए। और गांव वाले की अनोखा प्रदर्शन खूब सुर्खी बटोर रहा है। तो शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के, सतना के रैगांव विधानसभा में उपचुनाव कलई के राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा भले अभी तक कौनो निर्णय नहीं दिएगा, पर राजनीतिक दलन के साथ स्थानीय जनता चुनावी मोड में आ गई ही। जनता के द्वारा जो है बुनियादी सवालन का उठाव शुरू कर दिएगा है। इतने नहीं, कुछ लोगों के द्वारा बिजली पानी सड़क के नाम पर यह नारा दे दिएगा है कि सड़क बिजली पानी नहीं तब वोट नहीं। मजेदार बात यह है कि आमजन की मांग के समर्थन में कतिपय स्थानीय भाजपा नेता जुड़ गए हैं, जो अपने सरकार के खिलाफ बिगुल बजाबे का तैयार हैं। कांग्रेस जनता के मांग के समर्थन करने लगे। शुक्रवार का भाजपा युवा मोर्चा मंडल के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में रार गांव के मतदाता के द्वारा चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की गए। इतने नहीं, उनके द्वारा सड़क बिजली पानी के समस्या का दूर करे के मांग कीन गए और प्रदर्शन कीन गए। सड़क समस्या से मुद्दा पर मंडल उपाध्यक्ष सेमरावल के द्वारा जो है गुरुवार का पद से त्याग पत्र तक दे दीन गा और प्रदर्शन पर उतर आए। यह मौका पर ग्रामीण के तेवर देखे काबिल रहा। उनके द्वारा साफ तौर पर सभी राजनीतिक दलन का खरी खोटी सुनाई गए। कहा गया कि सूबा के सरकार केहू के रही हो, केहू के द्वारा क्षेत्र के समस्या पर गौर नहीं फरमा बगा, हमार कबो नहीं सुनवाई भय। कहा गया कि 1.5 किलोमीटर के सड़क दलदल में तब्दील हो गई। लगभग 600 मतदाता वाले गांव का जोड़े वाली इकलौती सड़क खस्ता हाल है। लोगन के कहा है कि गांव में सिर्फ एक हैंड पंप चालू है, अन्य जो है 2 साल से खराब है। यह भी जो है राजनीतिक दलन के बैठकन के दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के रैगांव चुनाव प्रभारी पूर्व प्रभारी मंत्री लखन घनघोरिया जो है पूर्व प्रभारी मंत्री लखन घनघोरिया के द्वारा कोठी क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारी की बैठक ली गए। कार्यकर्ता के पदाधिकारी के समस्या सुनी गए, साथ में संगठन का मजबूत करे के निर्देश दिए गए। के पूर्व जो है लखन घनघोरिया सतना के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा की उपस्थिति में उनके द्वारा पौधारोपण किया गया। तो सीधे तौर पर यह समझी कि अब विंध के रैगांव विधानसभा सीट जहां उपचुनाव हो जाल लाग है, वह अब कहा जाए युद्ध के अखाड़ा बनी। कहे कि विंध के कद्दावर नेता हुआ रैगांव विधानसभा सीट के डेरादार दे ही और सीधे तौर पर मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के हुए, किंतु जनता के जई यह बेहद दिलचस्प बात सामने आई। काहे कि सबसे बड़ी बात कि यह में छुटपुट आंदोलन जो है इनका हल्के से ले लायक नहीं आए। काहे कि जनता जब परेशान होती तो ओकर यह में अनोखे प्रदर्शन के तौर पर विरोध कर सका थे। न लाठी उठाई ही न डंडा उठाई ही, उनके पास सबसे बड़ा अधिकार वोट डरें के है। अब देखो दिलचस्प हुई कि यह रोड बन पावा थी या नहीं, या फिर वोट गांव डारत है या नहीं। अपन बहुत ख्याल रखी, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखी। धन्यवाद, प्रणाम।